नमस्कार, देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत है। एक नजर आज की मुख्य खबरों की ओर। हरिद्वार जिले में लक्सर पुरकाजी हाईवे पर दो बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान एक अन्य बाइक भी उनकी चपेट में आ गई। हादसे में बच्ची समेत दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार महिला पुरुष और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। भीमताल हल्द्वानी मोटर मार्ग भोराकून के पास एक अज्ञात महिला का शव खाई में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को खाई से बाहर निकाला। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक समुदाय केंद्र भेजा गया है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन महिला की उम्र करीब 35 से 40 साल के आसपास बताई जा रही है। उत्तराखंड में दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली। मसूरी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर में बारिश के बाद घना कोहरा छा गया। वहीं आज प्रदेश के अधिकतर जिलों में कई दौर की बारिश होने के आसार हैं, जबकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी जिले में ऋषिकेश के पास मुनिक्रेती थाना क्षेत्र में सोमवार 5 अगस्त को भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को रौंद दिया और इसके बाद सड़क किनारे खड़े टेम्पो से जा टकराया। हादसा PWD त्राहे के पास हुआ। सड़क हादसे में घायल हुए 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के साथ इस बार भी व्यापक रूप से मनाने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि आजादी के लिए चुकाई कीमत का एहसास सबको होना चाहिए। इससे पार्टी के प्रति ना सही, लेकिन देश के प्रति आस्था बढ़नी चाहिए। साथ ही देश को मालूम होना चाहिए PM बनने के लिए किसने विभाजन के निर्णय ने लाखों लोगों की जान ले ली और किसने कश्मीर को लेकर देश की एकता के लिए अपनी जान दे दी। वहीं उत्तरकाशी चिल्यानी सौड़ के जोगत मोल्ला में दो अलग अलग परिवारों की दो महिलाओं की जंगली मशरूम खाने से तबीयत बिगड़ गई। एक महिला की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। धर्म नगरी हरिद्वार और पूरे प्रदेश के शिवालयों में सावन के तीसरे सोमवार पर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से श्रद्धालु कतार में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से हर मनोकामना पूरी होती है। केदार घाटी में रेस्क्यू अभियान जारी है। इसी बीच CM धामी ने एक पोस्ट के जरिए स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया। CM धामी ने पोस्ट कर लिखा कि केदारनाथ क्षेत्र में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन को स्थानीय लोगों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। आप सभी लोगों के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि अतिवृष्टि की वजह से होने वाले बड़े नुकसान को रोका जा सका है। आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार। वहीं अल्मोड़ा नगर में डेंगू का एक संदिग्ध मरीज सामने आया है, जिसे हर गोविंद पंत जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक निजी लैब में जांच के बाद युवक का कार्ड टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके उपचार के लिए वह जिला अस्पताल पहुंचा। चिकित्सक ने उसकी रिपोर्ट देख उसे अस्पताल में भर्ती किया है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां TP नगर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत पारिवारिक कलह के चलते भाई ने बहन की सास को चाकू से कूट दिया। हमले में लहूलुहान महिला सड़क पर गिर गई। पुलिस ने घायल महिला को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।